हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शैलेश, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मकर संक्रांति के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ मनगढ़ का पूरा वीडियो देखिएगा, मकर संक्रांति का। कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जी दोस्तों, मनगढ़ का कुछ इस तरह का सीन मकर संक्रांति के दिन का। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मनगढ़ का कुछ इस तरह का वी आ रहा है, जो कि कोहरा की वजह से। आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो पूरी तरह से साफ नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। 14 जनवरी का मकर संक्रांति के दिन देख सकते हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आ रहा है, कुछ परिवर्तन हो गए हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ये देख सकते हैं पत्थर बना है यहाँ पे, और पहले पत्थर आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे एक नया मनगढ़ बन के तैयार हो गया है। यहाँ का भी पूरी झांकी हम आप लोग को पूरा दिखाएंगे, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बन ही रहा है। आगे आप लोग को और भी कुछ नया देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना सुंदर कारीगरी हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं बन रहा है। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ का व्यू इस तरह से, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं धूप भी हल्का हल्का निकलने लगा है, देख सकते हैं उजाला भी हो ही रहा है। कोहरा देख सकते हैं अब भी है, क्योंकि आपको वीडियो भी क्लियर एकदम साफ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ का कुछ इस तरह का भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, और यहाँ पे वीडियो बनाना अंदर मना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का भी है, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है। भक्ति मंदिर का कुछ इस तरह का भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, वो भी मकर संक्रांति के दिन का। यहाँ का कुछ इस तरह का भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है वीडियो में। हमारे दोस्त लोग हैं साथ में। जी दोस्तों, यहाँ से आप लोग झांकियाँ देखिए, जो कि बहुत ही परिवर्तन हुआ है झांकियों में, देख सकते हैं वीडियो में आप लोग। हम आप लोग को और आगे का वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। यहाँ का आप लोग झांकी देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आ रहा है। देख सकते हैं कितने झांकियों में परिवर्तन हुआ है। पिछला वीडियो आप लोग मनगढ़ कर देखा होगा, तो इस तरह झांकी आपको देखने को नहीं मिला होगा। इस वीडियो में कुछ नया है, देख सकते हैं आप लोग। जी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ भी झांकियाँ कुछ इस तरह से हैं, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। देख सकते हैं आप लोग वीडियो में हमारे। जी दोस्तों, आप लोग अब कुछ नया झांकी देखेंगे यहाँ पर भी, जो कि ये जन्माष्टमी के पर्व पर बना है, और जन्माष्टमी बाद हम आ जा रहे हैं मकर संक्रांति के दिन। देख सकते हैं कुछ अलग सा झांकी यहाँ पे, वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा यहाँ का झांकी है। यहाँ का कुछ इस तरह का भी ये सब झांकी आप लोग जन्माष्टमी से पहले नहीं देखे होंगे, और आज मकर संक्रांति के दिन इस तरह से झांकी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ का कुछ रंग बिरंगियाँ झांकी, जो कि रात में ये सब झांकियाँ पूरी तरह से चलते फिरते नजर आते हैं। यहाँ पे श्री राम जी, जो 22 जनवरी को पूरे भारत में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, अयोध्या में
हजारों संख्या में यज्ञ भी होगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो हमारे कुछ यहाँ का भी इस तरह से है, प्रभु राम जी और यहाँ पर भरत जी। माता सुमित्रा माता के कई माता कौशल्या सीता मैया और महाराज जनक लक्ष्मण शत्रुघ्न महर्षि वशिष्ठ जी ये सब वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राम भरत मिलाप की लीला यहाँ पे है वीडियो में, आप लोग ज़रूर जाइएगा अयोध्या 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में। यहाँ का कुछ इस तरह का भी देख सकते हैं आप लोग। अभी भी दोस्तों कोहरा ही है, ठंड का मौसम तो है ही, तो कोहरा तो ज़रूर रहेगा। और मकर संक्रांति का दिन तो कुछ बहुत ही खास ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हरियाली ताजगी, गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली से खाए हुए हैं श्री कृष्ण जी। ये सब झांकियाँ जो है रात्रि में चलते हैं 6 बजे से 8 बजे तक। यहाँ का कुछ इस तरह का भी श्री कृष्ण बलराम जी, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ न कुछ बन ही रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, कालियानाथ देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। और ये सब रात में चल रहा है, आप लोग ने हमारे वीडियो में देखा ही होगा पिछले। यहाँ का कुछ इस तरह का भी जी दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों।